हाय गाइस एंड वेलकम टू ऑटो बॉन्ड टीवी चैनल। और आज हमारे पास यामाहा R15 वर्जन 4 की चाबी है और आज मैं इसका ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शुड यू इन्वेस्ट इन दिस बाइक इफ यू हैव दिस मच मनी, आई मीन दिस बाइक इज प्राइस्ड एट अराउंड 1.70 लाख। एंड अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको इस गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको कोई और मोटरसाइकिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस जब यामा ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी R15 इंडिया को इंडिया में लॉन्च किया था अराउंड 2007-8 के टाइम पे, मैं 12th क्लास में होता था एंड बहुत अच्छी मोटरसाइकिल ये दिखती थी। मतलब स्पोर्ट्स बाइक के नाम पे देयर वाज नथिंग दैट वाज क्लोज टू यामा R15। इसका जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर भी इस मोटरसाइकिल ने तहलका मचा दिया था, बिकॉज जिस प्राइस पे मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी देयर वाज सिंपली नथिंग एल्स इन द मार्केट जो कि इतनी अच्छी दिखती थी। मतलब जो इसको फ्रंट एंड मिलता था वो मतलब किसी भी मोटरसाइकिल में आपको देखने को नहीं मिलता था। इसके साथ साथ मतलब इसकी जो इंजन की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी 155cc के अंदर दैट वाज सिंपली बेस्ट इन द सेगमेंट एट दैट टाइम। और उसके साथ साथ टाइम चेंज हुआ, नए सारे एंट्रेंस आए इंडिया के अंदर, KTM ने अपनी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की जो कि ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट के अंदर स्टैंड करती हैं। तो उसके साथ साथ बहुत सारी परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स बाद में आई, बट अगर देखा जाए तो शुरुआत किसने की थी, शुरुआत यामा की R15 एंड इसके साथ साथ FZ ने भी की थी। बट ऑफकोर्स R15 वॉज लव बिकॉज इतनी अच्छी दिखने वाली मोटरसाइकिल उस टाइम पे कोई भी नहीं थी। वर्जन 2 जो था इसका ऑलमोस्ट 2012 के आसपास लॉन्च हुआ था, वर्जन 3 2017 के आसपास इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था एंड ये जो आप मोटरसाइकिल सामने देख रहे हैं ये है वर्जन 4। दोस्तों स्टाइलिंग एंड डिजाइनिंग की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं ओवरऑल लास्ट वर्जन के कंपैरिजन में स्टाइलिंग एंड डिजाइनिंग पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। सामने यहाँ पर आपको LED DRLs मिलते हैं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है सिंगल यूनिट दोनों साइड, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही एंगुलर एंड शार्प एजेस आपको ओवरऑल डिजाइनिंग में देखने को मिलेंगे। साइड में आए तो फ्लोटिंग बॉडी पैनल्स आपको डिजाइन इस नई मोटरसाइकिल में मिलता है। इसके साथ साथ ये जो गोल्डन फोक्स दिए गए हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग दिखते हैं। मतलब आप दूर से देख सकते हो कि इसको इस मोटरसाइकिल को गोल्डन फोक्स मिलते हैं और इसके साथ साथ ये प्रीमियम अपील भी ऐड करता है किसी भी मोटरसाइकिल। इवन आप किसी नेकेड मोटरसाइकिल में भी देखें वहाँ पर भी आपको काफ़ी प्रीमियम एंड अपीलिंग ये गोल्डन फोक्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ काफ़ी जो थिकनेस है ना ये काफ़ी मोटी है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि पतले रॉड्स इसमें डाले गए हैं, काफ़ी अच्छे थिकनेस वाले फ्रंट सस्पेंशन गोल्डन फोक्स इसमें यूज़ किए गए हैं। लाइटिंग की बात करें तो ओवरऑल LED लाइटिंग है बट ब्लिंकर्स जो है ना ये आपको हेलोजन मिलते हैं। रिम्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्पोर्टी ब्लू कलर है, इसके साथ साथ इसमें बॉडी कलर्ड इसमें रिम्स मिलते हैं दोनों साइड जो कि ब्लू है। इसके साथ साथ जो ओवरऑल कलर की अगर हम बात करें तो जो बेस कलर है ये प्रॉपर ब्लू कलर है, इसके ऊपर जो है ना ये डार्क ब्लू आपको मिलता है। इसके साथ साथ टैंक पे चलते हैं तो अगर आप देखेंगे जो यामाहा का MotoGP मोटरसाइकिल है वहीं से डिराइव किया गया है ये वाला डिज़ाइन। ये सिर्फ शार्क फिन्स जैसे है ना गिल्स जैसे बोलते हैं वो वाला डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ सिंस ये मोटरसाइकिल कनेक्टेड मोटरसाइकिल है तो आप इसको अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया इसका फ्यूल टैंक कैप, ये हो गया इसका यामाहा का बैजिंग, स्प्लिट सीट आपको मिलती है, ये भी एकदम प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाला डिज़ाइन इसकी स्प्लिट सीट्स में दिया गया है। और एक और चीज़ जिसका टेल एंड है, टेल एंड के अंदर ये देखिए कितना स्पेस दिया गया है, ये प्रॉपर एरोडायनेमिक भी आप बोल सकते हैं। अगर आप इसकी टॉप स्पीड पे चलाएंगे तो यहाँ से विंड कटिंग होते हुए पीछे की साइड जाएगी। टेल लाइट भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट प्रॉपर जो इसका फ्लैगशिप लीडर क्लास मोटरसाइकिल है ऑलमोस्ट R1 जैसे दिखने वाला इसका टेल एंड दिया गया है। ब्लिंकर्स अगेन हेलोजन आपको मिलता है। एक बार मैं आपको इसका मीटर दिखा देता हूं, फोर्टी
फुली डिजिटल आपको मीटर यहाँ पर मिलता है, और इसके साथ साथ यामाहा ने इसको बहुत सारी फीचर्स के साथ अपडेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप देख सकते हैं इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, और अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, ट्रैक मोड है। इसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज ऑन, क्लिक किया, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है तो हमने इसे ऑफ कर दिया। इसके साथ साथ ये चीज आप यहाँ पे हैंडल बार पे, यहाँ पे जो बटन दिया गया है ना, आप इसके साथ चेंज कर सकते हैं। गाइस ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ आपको R15 के अंदर क्विक शिफ्टर भी मिलता है विच वर्क्स फॉर दी अप शिफ्ट्स। एंड क्विक शिफ्टर यूज करने के लिए आपको इस गाड़ी को हमेशा स्पोर्ट मोड में रखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी दिखाया था। ये ट्रैक मोड, क्लिक किया, ट्रैक मोड इज ऑन, जिसमें आपको लैप टाइमर दिखाएगा एंड फास्टेस्ट आई थिंक जो नीचे वाला इंफॉर्मेशन बार है इसमें आप ये आपको दिखाएगा कि फास्टेस्ट आप कितना जा चुके हैं एक राइड पे। तो गाइज ऑफ कोर्स दोनों साइड में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आगे के फ्रंट एंड पे, रियर साइड पे भी। फ्रंट टायर जो है इसका आपको MRF नायलोन जैपर टायर्स मिलते हैं, एंड रियर साइड में, रियर सेक्शन में आपको 140 सेक्शन का टायर मिला हुआ है। ऑफ कोर्स दोनों साइड में आपको MRF टायर R15 में मिलते हैं। तो ये तो ही बात इसकी ओवरऑल डिजाइनिंग फीचर्स एंड इक्विपमेंट लेवल की, एक बार मैं आपको शुरू करके दिखा देता हूँ। थोड़ी देर में अभी चलते हैं इस गाड़ी पे, एक शॉर्ट राइड लेते हैं, फील करते हैं कि एग्जैक्टली नई और पुरानी R15 में कितना डिफरेंस आ गया है, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑफ कोर्स फीचर्स एंड इक्विपमेंट लेवल जो है चेंज तो हुआ ही है, बट इसके साथ साथ कंपनी ने इसका जो इंजन है वो सेम रखा है। मतलब दिस इज द सेम 155 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, वो आता है VVA, मतलब वेरिएबल वाल्व एक्टिवेशन जो है टेक्नोलॉजी यामाहा की, ये इंजन उसके साथ आता है। तो ओवरऑल यामाहा क्लेम करता है कि विद द यूज ऑफ VVA ये ओवरऑल थ्रू आउट द रेव रेंज एक प्रॉपर पावर एंड टॉर्क डिलीवरी आपको देखने को मिलती है। ये चीज हम फील करेंगे इसकी राइड में, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप नई वाली R15 वर्जन 4 के ऊपर आप बैठते हैं तो आपको फील होता है कि इसकी राइडिंग पोजीशन एंड इसकी हैंडल बार प्लेसमेंट बिल्कुल पुराने वाली वर्जन 3 की तरह ही है, ज़्यादा फर्क नहीं आया है। ये उतनी ही कमिटेड, उतनी ही एग्रेसिव इसका राइडिंग स्टैंस दिया गया है जो कि पुरानी वाली मोटरसाइकिल के अंदर था। जैसे ही आप ब्रेकिंग करते हैं हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे आपको फोर्स जो है आपके हाथों में फील होती है, बिकॉज आप ऑलरेडी झुके हुए हैं, एंड जैसे ही आप ब्रेक करते हैं आपकी जितना भी फोर्स एंड मोमेंटम है वो आगे की साइड शिफ्ट होता है, तो आपको फील होता है कि आपके हाथों में थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है। स्पेशली अगर आपका वेट इज़ ऑन दी हायर साइड तो आपको डेफिनेटली प्रेशर फील होगा आपके हाथों में। तो दोस्तों इंजन एंड पावर ट्रेन की अगर हम बात करें तो R15 जो है वर्जन 4 के अंदर भी सेम पावर ट्रेन एंड इंजन कैरी करती है। इट स्टिल हैज़ द सेम 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन विच कम्स विद VVA टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल वेल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी। ट्रांसमिशन सेम है, 6-speed ट्रांसमिशन है, बट इसको इसके साथ साथ लाइटर क्लच भी मिलता है, एंड ऑफकोर्स क्विक शिफ्टर भी
मिलता है, इट्स नॉट बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, दिस इज़ अ सिंगल अप शिफ्ट वाला क्विक शिफ्टर V4 के अंदर जो पाया जाता है। पावर डिलीवरी की अगर हम बात करें तो लगभग 18.2 PS के आसपास आपको पावर मिलती है मैक्सिमम पावर, जो कि डिलीवर होती है लगभग 10,000 RPM पे। एंड पीक टॉक जो है लगभग 15 के आसपास आपको पीक टॉक मिलता है, जो डिलीवर होता है 7500 RPM पे। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि लगभग 10,000 के आसपास आपको पीक पावर डिलीवर हो रही है, एंड ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एक स्पोर्ट मोटरसाइकिल का, एक हाई रेविंग इंजन का, जो कि RB5 V4 के पास है। मतलब आप जैसे ही थ्रॉटल घुमाएंगे रेव्स ऑटोमेटिकली क्लाइंब करेंगे 10,000 RPM के आसपास। अब देख सकते हैं बहुत ही हाई रेविंग, बहुत ही फ्री रेविंग इंजन है, बहुत ही स्मूथ इंजन है। इवन आप अगर इस मोटरसाइकिल को हाई स्पीड पे, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे चला रहे होंगे, आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन कहीं भी फील नहीं होगी, बिकॉज ओवरऑल जो इंजीनियरिंग इस इंजन के अंदर गई है वह बहुत रिफाइंड, फाइनली ट्यून इंजीनियरिंग के साथ इस मोटरसाइकिल को बनाया हुआ है। और अब जाते जाते यामाहा R15 V4 पे एक एक्सेलरेशन टेस्ट भी बनता है। तो गाइस मुझे इसका शॉर्ट एंड क्रिस्प वर्डिक्ट देना है तो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा कि न्यू R15 इज़ अ बिग बिग अपग्रेड व्हेन यू कंपेयर इट विद द प्रीवियस जनरेशन मॉडल। डेफिनेटली इट इज़ प्राइस ऑन द हायर साइड, बिकॉज इसका प्राइस जो 1.70 लाख एक्स शोरूम है वो डेफिनेटली कॉस्टली है बहुत सारे लोगों के लिए। बट आपको ये भी देखना होगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपके दूसरी मोटरसाइकिल्स में नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, एंड ऑफ कोर्स इसकी जो सुपर स्पोर्ट्स स्टाइलिंग है आई एम नॉट श्योर कि आपको दूसरी मोटरसाइकिल में देखने को मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि इसका इंजन इज़ वन ऑफ द की हाईलाइट्स ऑफ दिस बाइक एंड द वे इट राइड्स। सो आई थिंक आई विल गिव इट अ थम्स अप। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।